गुर्वे गौरचंद्राय श्रीराधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं ठाकुर जी की लीलाओं का रहस्य। हम लोगों का जिसमें अधिकार नहीं है उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए, अधिकार नहीं है अधिकार को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे हमारे ही गुरुजनों ने एक सिस्टम बताया। नीचे नहीं बैठ सको तो कहीं ऊपर बैठ जाओ। उन्होंने क्या सिस्टम बताया है? तम निर्व्यजम भज गुण निधि पावनम पावनानां श्रद्धारज्जन्मतिरतितरं उत्तम श्लोकमौलिं प्रोद्यन् अन्तकरणकुहरे अन्तयन्नामभानोरभासोऽपि क्षपयति महापातकध्वन्तराशिम्। परम पावन कृष्ण ताहर चरण निष्कपट श्रद्धा सह करह भजन यारिणाम सूर्यभास अंतरे प्रवेश ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि। ए शिक्षाष्टके कहे कृष्ण लीलाक्रम इहते भजन क्रमे
लीलार उद्गम प्रथमे प्रथम श्लोक भजो किछु दिन द्वितीय श्लोके ते तवे हो तो प्रवीण चारि श्लोके क्रमशः भजन पक्व करो पंचम श्लोके ते निज सिद्ध देह वरो एहि श्लोके सिद्ध देहे राधा पदाश्रये आरंभ करिया क्रमे उन्नति उदय छय श्लोक भजिते अनर्थ दूर गेलो तबे जानो सिद्ध देहे अधिकार हैलो अधिकार न लभिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्तिर अभावे सावधानी क्रम धरो यदि सिद्धि चाहो साधुर चरित देखी शुद्ध बुद्धि पाओ सिद्ध दीपे क्रमे भजन करिले अष्टकाल सेवा सुख अनायासे मिले शिक्षा अष्टक चिंत करो स्मरण कीर्तन क्रमे अष्टकाल सेवा हवि उद्दीपन सकल अनर्थ जावे पावे प्रेम धन चतुर्वर्ग फल्गु प्राय हवे आदर्शन। इसमें हम लोग जो हरिनाम करते हैं उसका रहस्य है। हरिनाम में 32 अक्षर हैं, महामंत्र में 16 नाम हैं। आप में से कुछ लोग दीक्षित नहीं हैं लेकिन सभी दीक्षित हैं लगभग। 16 नामों की 8 जोड़ियां हैं, जैसे हरे कृष्ण एक जोड़ी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे ही हरे राम 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 हरे हरे, ये चार चार, ये 8 जोड़ियां भगवान के महामंत्र की करती क्या हैं हमारे अंतःकरण में। हमारे अंतःकरण में ये हरे कृष्ण जब हम पहला बोलते हैं तो हरे हरति पापानि दुखानि च कृष्ण आकर्षति आनंद प्रदायति। सबसे पहले हरे कृष्ण शब्द जो है जो द्वंद है, ये दो हैं, द्वय हैं, पहले वाला जो हरे कृष्ण है उसके द्वारा हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। चित्त रूपी दर्पण मार्जित होना चाहिए, नहीं हुआ है तो कहीं पे कोई कमी है। क्या कमी है उसको यहां पे बोल रहे हैं। दूसरा हरे कृष्ण बोलने से जितने तरह के ताप हैं, क्लेश हैं, कष्ट हैं, द्वंद हैं, वो सारे के सारे निर्वापित होने चाहिए। अगर नहीं हुए हैं तो कुछ गड़बड़ी चल रही है। फिर कृष्ण कृष्ण में हमको आनंद आते हुए रुचि होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए। और उसके बाद हरे हरे बोलते ही हमारा अंतःकरण आसक्त हो जाना चाहिए, बस आपके बिना मेरा अब कोई नहीं। फिर उसके बाद जब हरे कृष्ण आए फिर भाव उदित होना चाहिए। अभी तक क्या भाव नहीं उदित हुआ है? ना, अभी तक शुद्ध भाव मेरा क्या भगवान के साथ
नित्य संबंध है वो जागृत नहीं हुआ। तो वे पांचवा जो पद है, पांचवा पद क्या हुआ? पांचवा पद हरे राम। इस पांचवे पद में हमारे अंतःकरण में भाव, क्योंकि अब रमन शब्द आ गया वहां, राम मतलब रमन करना, तो रमन करने का मतलब तभी तो रमन होगा जब संबंध होगा। अगर एक प्रभु है एक सेवक है, इन दोनों का रमन कब होगा, इन दोनों की क्रिया कब होगी, इन दोनों की क्रीड़ा कब होगी? तभी होगी जब संबंध होगा। बिना संबंध के क्या कोई सेवा लेता देता है? लेते तो हैं वो जो होटलों में बैरे लेते हैं देते हैं, वो हैं उसके लिए पे करते हैं। तो वो जो लेना देना है वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देना ही देना है, लेना है ही नहीं। भगवान की तरफ से भी देना देना है और भक्त की भी तरफ से देना ही देना है। भक्त भी बोलता मेरे को कुछ नहीं चाहिए, भगवान भी बोलता मेरे को कुछ नहीं चाहिए। वो कहता मेरे को केवल सेवा चाहिए, कहते मेरे को भी तेरी सेवा चाहिए। ये भगवान ठाकुर जी की लीला ऐसी है गोपाल जी की, जो इधर से बोलेगा वही रिपीट होगा। मैं आपका दास, हाँ हाँ मैं तुम्हारा प्रभु, अच्छा आप मुझे अपनी सेवा दीजिए, हाँ हाँ लो लो। अब वो फिर पूछते हैं सेवा के बदले तू क्या लेगा? मेरे को कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? अरे कुछ तो मांगना पड़ेगा। नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो फिर मैं भी तेरी सेवा करूंगा, ले। तो यहाँ पे सेवा का ही खेल है सारा, यहाँ कोई स्वार्थ की भावना नहीं है। जीव को आनंद देने के लिए जो आकर्षण करते हैं वो अपना संबंध प्रदान करके, पंचम श्लोक एते निज सिद्ध देह वरो, पांचवें श्लोक में आकर के उसको पंचम पद, माता जी पंचम पद कौन सा है? अभी हमने बोला था ध्यान नहीं है ना, है हरे राम, ये पंचम पद है। ठीक है, षष्ठ पद कौन सा है? सबसे पहले मैंने क्या बताया? एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। ठीक है, क्या बताया? हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उसके बाद पंचम हरे राम, षष्ठ हरे राम, सातवां और आठवां हरे हरे, राम राम हरे राम। ये क्या बोल रहे हो? ये रहस्य की बातें हैं, यदि हम इसे जानेंगे ही नहीं क्रिया भी नहीं होगी। काम तब होता है जब हम जानकर करते हैं। अनजाने में मेरे को किसी ने होली के दिन ब्रजवासियों ने पकोड़े खिला दिए, मैंने खा लिए, खा के आ गया अपना जो भी दोपहर का प्रसाद पाते पाप होंगे सो गया। शाम को आए सुभाष डॉक्टर, कहते और गुरु ठीक हो? अरे हाँ मस्त हैं बढ़िया। कहते ठीक हो? मैं कहा हाँ भाई ठीक हूँ। ये खीर मोन खा लेना मिठाई, मैंने कहा मेरे को मिठाई पसंद नहीं। अरे खा लेना नहीं तो खुश्की हो जाएगी। मैंने कहा काय को खुश्की हो जाएगी, मैं खाते ही नहीं। कहते नहीं वो भांग के पकोड़े थे, जब उसने बोला ना भांग के पकोड़े थे उसके बाद मेरा नशा चढ़ना शुरू हुआ। सवेरे के खाए शाम 5 बजे के बाद शुरू हुआ, बात समझ रहे हैं? तो जब तक हमें रहस्य ना पता होगा
कब तक नशा नहीं होगा। हरे राम का मतलब है भगवान के साथ हमारा रमन होना। भगवान हमारे प्रभु हैं, मैं उनका एक छोटा सा नन्ना सा पौधा हूँ जिस पे वो आकर के टेढ़ी टांग करके एक चरण मेरे से छुआते हैं, कंधा मेरे से लगाते हैं और वो बांसुरी बजाते हैं, तो मैं पूरे अपने फूलों के साथ झूमता हुआ उनके ऊपर फूल बरसाता हूँ। जब तक ये रमन नहीं होगा भगवान का, हरे राम, ये पंचम श्लोके थे निज सिद्ध देह वरो। ये रहस्य की बातें हैं, इनको कर दे रो हो जाऊगा ऐदा नहीं हुंदा, ठीक है ना। छठा पद कौन सा है माता जी, अब बोलो आप। नहीं नहीं नहीं, आप बोलो। आठवां, देखिए आप माला कर रहे हैं, आपको समझ में क्या आएगा। इतने भाग्य से आप गोवर्धन धाम में आए, है ना, बड़ा भाग्य है। आकर के फिर साधु संग में भक्ति विनोद ठाकुर जी की बातें सुनने को मिल रही, रहस्य पता करने को मिल रहे, और उनको अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो थोड़ी मेहनत तो होगी, ऐसा नहीं है फायदा नहीं होगा, मेहनत तो होगी कि हाँ भाई गए थे हम। लेकिन प्राप्ति नहीं होगी। हमें गुरुदेव मिले, कितने भाग्य से मिले। किसी साधारण व्यक्ति को ऐसे गुरुजी मिलते हैं। ओम विष्णुपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की, ऐसे गुरु किसी साधारण व्यक्ति को मिलते हैं, भाग्यशाली जीव को मिलते हैं। तो अब परम सौभाग्य मिलने का सामने से अवसर आ रहा है, सामने से परम सौभाग्य बनना चाह रहा है। और हम ध्यान नहीं दें, जब कथा होती है ऐसे देखना चाहिए इस एरिया को बोलने वाले के, तब थोड़ा सा समझ आएगा, ठीक है। यहां एक बात कही, ऐ श्लोके सिद्ध देहे राधा पदाश्रय, गौड़ीय संप्रदाय की विशेषता है श्री राधा पदाश्रय। जो भी सेवा करनी है राधा रानी के चरणों का आश्रय ही रहना है, आश्रय में ही करनी है, ये गौड़ीय संप्रदाय का एक मूल मंत्र है। सखा, माता पिता, दास दासियां, शांत रस के भक्त, ये सब राधा रानी के ही अनुगत में है, समझे नहीं। तो इसलिए राधा रानी का जो अनुगत्य है, राधा रानी का जो आश्रय है, उसके बिना वृंदावनेश्वर की कोई भी सेवा हमें प्राप्त नहीं होने वाली। थोड़ा सा इधर हो जाइए आप, आसन किसने बिछाया, आइए प्रथम याम साधन करें। प्रथम याम कीर्तन निशांत लीला भजन श्रद्धा भजन चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम अम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत असवादनम सर्वात्मसनपनम परम विजयते
श्री कृष्ण संकीर्तनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम संकीर्तन हैते पाप संसार नाशन चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम कृष्ण प्रेमोदगम प्रेमामृतय स्वादन कृष्ण प्राप्ति सेवा अमृत समुद्रे मज्जन पावन Bye.
इस प्रकार से जब व्यक्ति साधन करता रहता है तो धीरे धीरे हरि नाम ही परम विजय कारी है। हमारा विजय माया से, हमारी विजय कैसे होगी इस संसार से, हमारी जीत कैसे होगी, तो श्री हरि नाम ही हमें जिताने वाला है ये मालूम पड़ता है। छठे में जाकर के भाव पक्का होता है, पांचवें में भाव मिलता है, चाहे तो ले लें, नहीं चाहे तो फिर सिद्धियां विधियां लेकर के छुट्टी। पांचवें में मतलब पांचवा क्या हुआ, हरे राम। छठा क्या हुआ, हरे राम। जब छठे में पक्का हो जाता है भाव तो फिर और कहीं व्यक्ति का मन नहीं लगता, फिर तो राम ही राम, ठाकुर जी के साथ ही रमन, बस उन्हीं के साथ रमन। अच्छा, सातवें में ऐसा राम राम मतलब दो भाग भाग जो अर्थ है उसका वो है कि सुख दें आप मिलकर के या आप मुझे दुख दें, दोनों में राम राम है, दोनों में रमन है। विरह का भी आनंद है, मिलन का भी आनंद है, लेकिन उसके बाद हरे हरे। जब ऐसा होता है तो ठाकुर जी भी हार जाते हैं, भक्त के आगे लुट जाते हैं और भक्त भी ठाकुर जी के आगे लुट जाता है, दोनों ही हरे हरे हो जाते हैं, मतलब दोनों का हरण हो जाता है। तो सर्वात्म सनपनम क्या है, जब आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा ना, मुझे तो पता लग जाता है महाराज उधर देख के बोल रहे हैं, मैंने तो देख के नहीं बोल रहे, भड़क जाता है। ध्यान से सुनो, समझो हा? तो कहते हैं हरे हरे, राम के बाद वाला हरे हरे, उसमें स्वयं का कुछ भी नहीं रहता, भगवान स्वयं भक्त के अंतःकरण में प्रवेश करके जहां आत्मा स्वयं विराजमान है वहां भगवान उसके साथ मिलित होते हैं, और मिलन होने के बाद में भक्त अपनी अस्मिता, अपना अस्तित्व सब कुछ खो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान को सामने पा करके वो स्तंभित हो जाता है, वो मूर्तिमंत हो जाता है, उसको बस कुछ समझ नहीं आता। तब भगवान उसे जब स्पर्श करते तो भगवान उसकी भक्ति में इतने डूब जाते हैं कि भगवान मूर्तिमंत हो जाते हैं। जाओ, पहले भक्त हुआ और फिर भगवान हो। ऐसा दिव्य जो है महामंत्र है ये, ऐसे ही नहीं कह दिया प्रथमे प्रथम श्लोक भजो की छू दिन, कुछ दिन तक करो, हमने तो बड़े दिन कर लिया महाराज जी। हाँ, अभी तक हरे कृष्ण वाला जो पहला पद है ना चित्रूपी दर्पण, उसका स्वरूप प्रकाशित नहीं हुआ है कि महामंत्र का ये है रूप, अभी प्रकाशित नहीं हुआ, अब तो सुन लिया है, अब चिंतन में जाएगा, उसके बाद जब प्रकाशित होगा तब समझ आएगा कि ये महामंत्र का क्या महत्व था जो हम कर रहे थे। हरे कृष्ण 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 ऐसे कर रहे थे जो स्पीड में ट्रेन चला के, वह जब पता लगेगा उसका रहस्य तब निकलेगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। गुरु जी कैसे करते थे है? गुरु जी का वो भाव, वो प्रेम, वो दिव्य अनुभव कैसा था? वो ऐसे ही था, उनको महामंत्र का जो नित्य स्वरूप है, हमेशा जो है, वो दर्शन होता था। हमें भगवान के महामंत्र का
कोई सा भी स्वरूप दर्शन नहीं हो रहा।